हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट सक्सेस ग्रुप। तो फ्रेंड, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास नाइन्थ में मैथ एनसीईआरटी सॉल्यूशन चैप्टर टू एक्सरसाइज 2.2। ठीक है फ्रेंड, स्टार्ट करते क्वेश्चन नंबर वन से। फ्रेंड, अपने एनसीईआरटी बुक अपने पास में रखा ताकि समझने में आसानी हो। क्वेश्चन नंबर वन में बोला गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। कोई पॉलिनोमियल मुझे गिवन है 5x माइनस में 4x स्क्वायर प्लस में 3, एंड फर्स्ट पार्ट में बोला गया है वैल्यू बताओ x इज इक्वल टू 0। तो फ्रेंड, मैं इसको एफ एक्स मान लेता हूँ। ठीक है, ये मेरा फंक्शन है और मेरे को बताना है x इज इक्वल टू 0 कितना होगा। तो मैंने x की जगह रिप्लेस कर दिया 0 से, x की जगह रिप्लेस कर दिया 0 को, x को रिप्लेस कर दिया 0 के साथ प्लस में 3, 5 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, 4 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0 इज इक्वल टू 3, यानी कि मेरी जीरो रखने पे आंसर कितना आएगा 3। ठीक है फ्रेंड, ये था मेरा फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में चलते हैं, मुझे बताना है x इज इक्वल टू माइनस 1। अगेन मेरा जो फंक्शन है 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3, एक्स की जगह पे रखूँगा मैं माइनस का 1, एक्स की जगह माइनस 1, माइनस 1 एंड प्लस 3। ठीक है फ्रेंड, बीच में साइन नहीं तो मल्टीप्लाई, 5 वन ज़ा 5, माइनस 1 को माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 1 इज इक्वल टू 3, 4 वन ज़ा 4 प्लस 3, माइनस का 5 माइनस का 4 माइनस का 9, तो 9 में से 3 का कितना आएगा माइनस का 6, ये मेरी आ गई माइनस 1 की वैल्यू। ठीक है फ्रेंड, ये था मेरा इसका सेकेंड पार्ट। थर्ड पार्ट में मुझे बोला है बताओ x इज इक्वल टू 2 कितना होगा। अगेन मेरा वही फंक्शन होगा 5x माइनस में 4x स्क्वायर प्लस में 3। ठीक है फ्रेंड, तो मैंने x की जगह पर रिप्लेस कर दिया 2 को, यहाँ पे रखा मैंने 2, यहाँ पे रखा मैंने 2 और यहाँ पे 3, बीच में साइन नहीं मतलब मल्टीप्लाई, 5 2 ज़ा 10, 2 को स्क्वायर का मतलब 2 को 2 से मल्टीप्लाई करना, कितना आएगा 4 प्लस में 3, 4 4 ज़ा 16 एंड प्लस में 3। देखो ये प्लस का है और ये भी प्लस का, 10 और 3 13, माइनस का 16, 13 में 16 का कितना आएगा माइनस का 3, ये मेरा आ गई एफ टू की वैल्यू। ठीक है फ्रेंड, ये हो गया मेरा क्वेश्चन नंबर वन कंप्लीट। तो क्वेश्चन नंबर टू पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर टू में बोला गया है कि वैल्यू बतानी है पी जीरो P1 एंड P2, इन सब की वैल्यू बतानी है। ठीक है फ्रेंड, और हमें पॉलिनोमियल दे रखा है PY इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस वाई एंड प्लस 1। ठीक है फ्रेंड, तो सबसे पहले y को रिप्लेस करना है 0 के साथ, क्यों हमें चाहिए क्या P0, यहाँ रख दिया 0 का स्क्वायर 0 प्लस 1, तो 0 की तो कोई वैल्यू है ही नहीं, बचेगा कितना 1, ये मेरा आ गया P0। P0 के बाद ट्राई करेंगे P1 को, इक्वेशन मेरी वही रहेगी, y की जगह क्या रख देंगे 1, 1 एंड प्लस 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, 1 प्लस 1, ये प्लस का माइनस का कैंसिल हुआ, आंसर कितना आ गया 1, ये आ गई P1 की वैल्यू। ठीक है फ्रेंड, अब निकालेंगे P2 की वैल्यू, इक्वेशन अगेन वही रहेगी, y की जगह 2, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4, 2 प्लस 1, 2 4 में से 2 गया 2 प्लस 1, 2 और 1 3। ठीक है फ्रेंड, ये आ गई मेरी P2 की वैल्यू। इसी के साथ मेरा क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। सेकंड पार्ट पे चलते हैं, बोला PT इज इक्वल टू 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर माइनस T³। ठीक है फ्रेंड, मुझे ये बताया और निकालना क्या है, वही सेम P0 P1 एंड P2, पहले रिप्लेस करा 0 के साथ 2, T की जगह 0, ठीक है ये 0, 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 और ये भी 0, तो रिजल्ट कितना आया 2 आया मेरा। ठीक है फ्रेंड, ये हो गया P0। अगेन इक्वेशन को उतारा जाएगा,
टू प्लस टी प्लस टू टी स्क्वायर माइनस में टी क्यूब। अब मुझे निकालना पी वन, यहाँ रख दिया वन, ठीक है, टू टी की जगह वन, टी की जगह वन और टी की जगह पे वन, ठीक है फ्रेंड, टू प्लस वन, वन को वन से मल्टीप्लाई करेंगे वन ही आएगा, वन को थ्री टाइम्स मल्टीप्लाई तब भी वन ही आएगा, टू प्लस वन, टू वन जा टू माइनस में वन, प्लस का वन माइनस का वन कैंसिल हुआ, टू 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 और टू कितना हुआ फोर, ये आ गई मेरी वैल्यू पी वन की। अब निकालेंगे पी टू, इक्वेशन वही रहेगी दोबारा से, ठीक है फ्रेंड। तो मैंने क्या करा कि टू टी की जगह भी टू, टी को रिप्लेस करा टू के साथ टू, देखो टू और टू कितने हो गए फोर, टू के ऊपर पावर दो है मतलब टू को टू से मल्टीप्लाई करना है यानी कि फोर, पावर क्यों मतलब टू को थ्री टाइम्स मल्टीप्लाई करना, टू वन जा टू, टू टू जा फोर एंड फोर टू जा एट, मेरा एट आ गया, सॉरी फोर टू जा एट एंड माइनस एट, एट से एट कैंसिल, मेरा आंसर कितना आ गया फोर। ये था मेरा इसका सेकेंड पार्ट, ठीक है फ्रेंड। तीसरे पार्ट पर चलते हैं, तीसरा पार्ट है मेरा पी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब, और निकालना क्या है मुझे, निकालना है मुझे पी ज़ीरो पी वन एंड पी टू, ये तीन वैल्यू निकालने हैं मुझे, ठीक है फ्रेंड, पी पी ज़ीरो पी वन एंड पी टू। सबसे पहले रखा ज़ीरो, ज़ीरो का क्यूब आंसर कितना आएगा ज़ीरो ही आएगा, ऑब्वियस ही बात है। फिर मैंने रखा वन, वन का क्यूब, वन को थ्री टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे वन ही आएगा, ये पी वन हो गया। फिर पी टू की वैल्यू, ठीक है फ्रेंड। तो फ्रेंड मैंने पी टू की वैल्यू निकालने के लिए क्या करा, एक्स की जगह पे टू रख दिया, टू की क्यूब, क्यूब का मतलब है टू को थ्री टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, टू टू ज़ा फोर, फोर टू ज़ा एट, ठीक है फ्रेंड। ये मेरे पी टू की वैल्यू आ गई, ये मेरा हो गया तीसरा पार्ट यहाँ पे कम्प्लीट। फोर्थ पार्ट की ओर बढ़ते हैं, फोर्थ पार्ट इस बार इक्वेशन दे रखे मुझे x माइनस वन एंड x प्लस वन, ठीक है फ्रेंड। पहले मैंने यहाँ पे x की जगह रखा ज़ीरो, यहाँ ज़ीरो रखा माइनस का वन, ज़ीरो प्लस का वन, ज़ीरो में से माइनस वन जाएगा माइनस का वन ही आएगा, ज़ीरो प्लस वन वन, बीच में साइन नहीं है तो मतलब मल्टीप्लाई, वन वन ज़ा वन, ये हो गया पी ज़ीरो। फिर निकालेंगे पी वन, x माइनस में वन एंड x प्लस में वन, x की जगह वन रखा, x की जगह वन रखा मैंने, वन में से वन गया ज़ीरो, वन एंड वन टू, बीच में साइन नहीं मल्टीप्लाई, टू को ज़ीरो से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा ज़ीरो ही आएगा, ये पी वन हो गया। फिर निकालेंगे पी टू, इक्वेशन मेरी वही है वापस, x की जगह पे टू, यहाँ पर टू, टू में से वन गया वन, टू और वन थ्री, थ्री वन जा थ्री, ये आएगी मेरी तीसरी वैल्यू। तो ये क्वेश्चन नंबर मेरा टू यहाँ पे कंप्लीट हुआ। तो फ्रेंड आज के लिए इतना ही, बाकी इसके आगे के सवाल मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। तो फ्रेंड अगर वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें, और नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है फ्रेंड, ओके बाय बाय, थैंक यू।